Hello everyone, my name is Lupin Krishna Yadav and this is official Sigma Youth Engineers channel. In this video, I am explaining about all the basic concepts of CNC machining and CNC programming, including all the relevant information regarding advanced CNC machining and advanced CNC programming. So, I request you to click on the subscribe button and hit the bell button to get the notification of our latest engineering videos. So, without wasting the time, let's get started. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इंसर्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं इंसर्ट्स को बनाने के लिए। तो आज मैं कुछ कोटिंग प्रोसेस जो है आपको बताऊँगा, जो इंसर्ट्स के ऊपर कोटिंग होती है वो किस किस टाइप की कोटिंग होती है। तो जनरली जो है पीवीडी और सीवीडी कोटिंग जो है यूज़ होती है इंसर्ट्स के ऊपर। पीवीडी होती है फिजिकल वेपर डिपोजिशन और सीवीडी होती है केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल वेपर डिपोजिशन जो है वो क्या होता है। सीवीडी में क्या होता है कि जो इंसर्ट्स है मैन्युफैक्चर होने के बाद इसके ऊपर एक लेयर होती है, वो की जाती है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड के थ्रू। इसमें एक फर्नेस यूज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, इंसर्ट्स को रखा जाता है और अलग अलग टाइप की गैसेस को पास कराया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, हाइड्रोजन। इन सारी गैसेस को पास कराने के बाद एक पतली सी जो लेयर है वो केमिकल की डेवलप हो जाती है, जैसे कि टाइटेनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम कार्बाइड, इनकी जो लेयर है वो डेवलप हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये जो लेयर है इंसर्ट के सरफेस पर स्टिक हो जाती है, जिससे क्या है इंसर्ट का जो वियर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और फिनिशिंग जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। सीवीडी कोटिंग से जो थिकनेस आती है इंसर्ट्स के ऊपर वो 2 से 20 माइक्रोन के बीच में वेरी करती है, जो कि एक काफ़ी थिक लेयर है वो सीवीडी प्रोसेस से इंसर्ट के ऊपर स्टिक हो जाती है। अब बात करते हैं फिजिकल वेपर डिपोजिशन। फिजिकल वेपर डिपोजिशन में एक मेटल का रिएक्टर जो है उसमें इंसर्ट्स को रखा जाता है। पीवीडी कोटिंग में क्या होता है कि जो इंसर्ट्स है उनको ट्रे में लोड करके जो एक चैम्बर होता है उसमें इनको रख दिया जाता है, और जिस मेटल की हमको लेयर इंसर्ट्स के ऊपर डेवलप करनी है उस मेटल को जो है आयोनाइजेशन चैम्बर में रखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक हाई टेम्परेचर पे मेटल को मेल्ट किया जाता है, जिससे जो मेटल है वो आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइजेशन फॉर्म में उस मेटल को इंसर्ट वाले चैम्बर में भेजा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो आयोनाइज मेटल है वो सेटल हो जाता है इंसर्ट्स के ऊपर और एक पतली सी लेयर जो है वो डेवलप कर लेता है। तो फिजिकल वेपर डिपोजिशन में क्या होता है कि एक पतली लेयर जो है इंसर्ट्स के ऊपर डेवलप हो जाती है, और यही प्रोसेस जो है फिजिकल वेपर डिपोजिशन कहलाता है। जनरली क्या है कि टाइटेनियम जो मेटल है उसको टारगेट किया जाता है और उसको आयोनाइज कर इंसर्ट्स के ऊपर इसकी जो एक लेयर है वो डेवलप की जाती है। ये प्रोसेस जो है पूरा क्लोज चैम्बर के अंदर होता है और इसकी जो थिकनेस है बहुत ही कम रहती है, 2 से 6 माइक्रोन के बीच में इसकी जो है थिकनेस रहती है। तो फिजिकल वेपर डिपोजिशन जो है इंसर्ट को टफ बना देता है और शार्प कटिंग एज इसमें डेवलप होते हैं, यानी कि ये जो सबसे कम नोज रेडियस की जो इंसर्ट्स है वो फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड के थ्रू डेवलप की जाती हैं। पीवीडी का यूज़ जो है सॉलिड कार्बाइड टूल्स में भी होता है, और अगर कंपेयर करें सीवीडी और पीवीडी को तो पीवीडी जो है फिजिकल वेपर डिपोजिशन की जो लेयर है वो 2 से 6 माइक्रोन की रहती है, और सीवीडी जो रहती है उसकी जो लेयर रहती है वो 20 माइक्रोन तक जाती है। सीवीडी कोटिंग की जो वियर रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होता है, और थर्मल रेजिस्टेंस भी जिसको बोलते हैं वो भी अच्छा होता है सीवीडी कोटिंग का। और पीवीडी कोटिंग की बात करें तो पतली कोटिंग होती है, इसमें शार्प एज डेवलप होते हैं और टफ होती है ये इंसर्ट। तो पीवीडी और सीवीडी कोटिंग जो इंसर्ट्स है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।